फिरोजाबाद नगर निकाय के चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे हर पार्टी अपने प्रत्याशी को विजय बनाने के लिए पूरी एड़ी चोटी का दम लगाने पर तुली हुई है। इसी सिलसिले में शुक्रवार को कांग्रेस के सांसद राज बब्बर, कांग्रेस की मेयर पद की प्रत्याशी शाहजहां परवीन के लिए वोटरों से वोट देने की अपील करने के लिए आए और उन्होंने साथ ही वोटरों से वोट का शिकार करने वाली पार्टियों से सावधान रहने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग हरदम तैयार हैं दूसरी पार्टियों में जो वोटरों को लुभाकर और ललचाकर वोट हासिल करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। फिरोजाबाद से स्वराज सिंह, SKH न्यूज़। मैं सभी से हाथ जोड़ दें, हाथ उठाकर उन्होंने कहा कि हमने विधानसभा का चुनाव कांग्रेस के साथ में करवाया, लेकिन इस बार कांग्रेस जी ने वोट कटवा खड़े कर दिए। इसके लिए क्या देना है? एक मिनट यार, बीच में तो यार जी जाने क्लाम हो जाए। अरे नहीं घटे, एक मिनट यार, ये एक मिनट देते हैं, एक मिनट, एक मिनट, सर हम किसी के वो क्या 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 हम नहीं जानते। लाला भाई आज सुने स्टार फिरोजाबाद में राजभर आए थे आपकी सभा को समझा, आपको कैसा महसूस हुआ? मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे क्षेत्र की जनता को इतना अच्छा लगा है कि आज 2009 में यहाँ पे भी आए थे जब क्षेत्रीय जनता ने बहुत प्यार दिया था, उनको सांसद बनाया था, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है इस बार से मैं भी मेंबर बन जाऊंगा जब राय के ऊपर आ जाए तो। वो अपील करके कि यहाँ का युवा एक हो जाए और यहाँ पर भाजपा को राकर अपना परचम ले आए, जिससे गुजरात में उनकी सरकार लोकतंत्र को देखते हुए, सच्चाई को देखते हुए, हम सबको गलत भावना छोड़कर और देश की भावना को देखते हुए कांग्रेस को वोट दें, जिससे कहते हैं युवा एक होगा देश बचेगा। अगर आप पार्षद बनेंगे तो आप अपनी जनता के लिए क्या क्या करेंगे? मैं अपने क्षेत्र में जो मेरी क्षेत्र की समस्या है, पानी, राशन कार्ड की दुकान नहीं है, सरकारी स्कूल नहीं है। नगर निगम बनने के बाद पहली बार यहाँ पे मेयर के चुनाव होने आ रहे हैं, महिला प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस ने शैलाज परवीन को अपना प्रत्याशी बनाया है, उसके चुनाव प्रचार के लिए यहाँ पर सांसद और सिने स्टार राजभर जी उनके लिए वोट की अपील करने आए। उन्होंने कहा कि अपनी ताकत दिखा दो एक बार फिर दोबारा, अपना झंडा फहरा दो, अगर जो झंडा यहाँ फहरेगा तो वो झंडा अपना गुजरात में ही फहरेगा, उनका ये दावा है। और यहाँ का युवा उनसे कितना मुतमीज रखता है, इस बात के लिए मैं पूछना चाहता हूँ अपने युवा साथी से, बताइए। नहीं मैं बताता हूँ जी, मैं कांग्रेस पार्टी को चाहता हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करना चाहता हूँ, और जो भी निर्दलीय पार्टी हैं, जो भी अपोजिट पार्टी हैं, जो भी जो बीजेपी है, हम सब मुसलमान, हम उनके बारे में परेशान हैं। वो ये कहते हैं क्या कांग्रेस को ही वोट दूंगा, और मेरे भाई सारे लोग कांग्रेस।